नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान दो रंग से बनने वाला कार्डिगन या स्वेटर्स के लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है ये 3+ का पैटर्न है, यानी कि 3-3 के फंदे के हिसाब से आपने 3 का मल्टीपल ले लेना है और साथ में 2 एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं जो कि हमारे दोनों तरफ एजिंग के लिए आएंगे। तो ये देखिए, सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ सिलाइयाँ नीचे हमने सीधी सीधी बुनी हैं, उसके बाद मैंने ऊपर सीधी और उल्टी सिलाइयाँ जो हैं वो 3 बुनी हैं। एक सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई और फिर आगे एक सीधी सिलाई बुन के इस तरह से मैंने 3 सिलाइयाँ जो हैं ऊपर बुन ली हैं। आपने भी अपने बॉर्डर के बाद 3 सिलाइयाँ इस तरह से बुननी है, एक सीधी, एक उल्टी और फिर एक सीधी सिलाई बुन लेनी है, जिसमें हमने सीधे और उल्टे फंदों से ही बुनाई की है। और इसके बाद हम इसके आगे दूसरे रंग से डिज़ाइन डालेंगे। तो आपने अपने जिस भी प्रोजेक्ट पे इसको इस्तेमाल करना है उस पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 रंग से बनेगा और कार्डिगन्स पे तो इसकी लुक बड़ी ही प्यारी आती है। आप चाहे तो इसके लिए हाफ स्वेटर या फुल स्वेटर भी बना सकते हैं। तो चलें, अब ये हमारी जो पैटर्न की 4थी सिलाई आ गई, जिसको मैं उल्टी तरफ से बनाऊँगी। 3 मैंने सिलाइयाँ बुननी हैं, सीधी, उल्टी और सीधी। उसके बाद ये 4थी सिलाई है जो कि उल्टी है। उल्टी तरफ से हमने कलर को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे रेड के साइड वाइट का कम्बिनेशन ले रही हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 रंग का कम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये देखें, अब मेरी रॉन्ग साइड आ गई। ये उल्टी तरफ से मैंने वाइट रंग से, सफ़ेद रंग से मैंने ये सारे फंदे जितने भी हैं वो मैंने उल्टे बुनते हुए कम्प्लीट करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने उल्टी तरफ से ही इस रंग को क्यों इस्तेमाल किया, तो उसका भी एक रीज़न होता है। जब भी हमें 2 रंग से या 3 रंग से कोई स्वेटर बनाना हो या अपना प्रोजेक्ट बनाना हो, तो हमें हमेशा उल्टी तरफ से ही कलर को शुरू करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये देखिए, इस तरह से जो डिज़ाइनिंग आती है ना कलर चेंज करने पे, ये रॉन्ग साइड पे आ जाती है और हमारा जो फ्रंट साइड होता है सीधी तरफ होती है, वो प्लेन हमारी सीधी सुंदर दिखती है। तो इसलिए ये जो दूसरा रंग हम लगाते हैं तो उल्टी तरफ से ही कोशिश करें उसको लगाने के लिए। तो ये देखिए, रॉन्ग साइड से मैंने कलर चेंज कर लिया और सारे फंदे जो हैं मैंने ये उल्टे बुनते हुए 4th रो जो है पैटर्न की मैंने कंप्लीट कर ली। तो मैं बेसिकली 4 का गैप छोड़ के इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी जितनी दूरी पे इस डिज़ाइन को डालना चाहती हैं वैसे आप बना सकते हैं। अब देखें, जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, उसका 1st रो आ गया। पहला फंदा तो हमारा एजिंग का था, मैंने ये बुन लिया। आप चाहें तो बिना बुने भी उतार सकती हैं। अगला फंदा जो है उसमें सीधा बुनना है, पर उसको इस तरह से हमने 3 बार धागे को लपेटते हुए 1, 2 और 3, इस तरह से हमने 3 बार धागे को लपेटते हुए सीधा फंदा बुनना है। तो इस तरह से हमने एक एक करते सारी सिलाई के सारे फंदे जो हैं इसी तरह से 3 बार धागा घुमाते हुए सीधी सिलाई जो है वो कम्प्लीट कर लेनी है। जब ये डिज़ाइन खुलता है, जब ये अगली सिलाइयों में इस डिज़ाइन को हम खोलते हैं, तो ये डिज़ाइन जो है बड़ा ही चौड़ा और उभरा हुआ बड़ा बनकर आता है। तो इसीलिए ये डिज़ाइन बड़ा ही प्यारा लगता है। अगर आप इसकी जैकेट्स बना रहे हैं, कार्डिगन्स बना रहे हैं या स्वेटर्स बना रहे हैं, तो ये देखें, मैं पूरी सिलाई में इसी तरह से 3 बार धागा घुमाते हुए कम्प्लीट करूँगी। देखिए, सीधे फंदा, जिसे जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं तो बेसिकली एक बार उसको धागा लपेटते हैं, तो हम इसमें 3 बार धागा लपेट के इसको कंप्लीट करेंगे। और लास्ट वाला जो हमारा एजिंग का फंदा है, तो वो मैंने एज इट इज़ सीधा ऐसे ही बुन लिया। तो ये देखिए, पैटर्न की 1st रो होगी जिससे कि हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब उल्टी तरफ से देखिए इसको कैसे करेंगे। पहला जो फंदा था जो एजिंग वाला, ये देखिए, हमने इसी तरह से इसको उल्टा बुन लिया। अब हमने अगले के 3 फंदे जो हैं वो खोलने हैं इस तरह से, जैसे हमने उनको धागा लपेटा था, अब उनको हमने खोल लेना है और दूसरी लेफ्ट वाली सिलाई पे उनको चढ़ा लेना है इस तरह से, और इन 3 फंदों का 1 फंदा उल्टा बनाना है इस तरह से। अब धागे को पीछे ले जाना है और आगे वाली तरफ लेके आएंगे यूं करके, और फिर यही 3 फंदों का फिर से 1 उल्टा फंदा बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमने 3 फंदों के, ये देखें, फिर से 3 फंदे हमारे तैयार हो गए हैं। फिर अगले 3 फंदे हमने खोलने हैं इस तरह से, धागा लपेटा हुआ था ना हमने सीधी सिलाई में, तो उल्टी सिलाई में उन 3 को हम खोलेंगे यूं करके। अब इसको दूसरी सिलाई पर चढ़ा लेंगे और 3 का हम एक करके उल्टा फंदा यूं करके बनाएंगे। 3 का एक किया, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और अपनी तरफ ले आएंगे लपेट के इस तरह से, फिर 3 का
एक उल्टा फंदा फिर से बनाएंगे। तो तीन के हमने फिर से तीन फंदे कर लिए। इसी तरह से हमने, जैसे मैंने कहा कि ये तीन का मल्टीपल है, तो उसी लिए आपने तीन तीन फंदे जो हैं इस तरह से उतारते जाना है और उनका फिर से उल्टा फंदा बुनते हुए तीन फंदे बना लेने हैं। तो ये बड़ा ही आसान पैटर्न है, इसकी लुक बड़ी ही अच्छी आती है, आप देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब देखें, उल्टी सिलाई में हमने इसी तरह से फंदों को खोलते जाना है और उल्टे उसके फंदे बुनते जाना है, तीन के फिर से तीन करते जाना है, कुछ इस तरह से करेंगे। पूरी सिलाई को लास्ट तक हम इसी तरह से बना लेंगे और लास्ट का एजिंग का फंदा एज इट इज़ उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखें, बैक साइड से इस तरह से लुक आ गई है। देखिए डिज़ाइन जो है हमारा ये खुल गया, ब्रॉड हो गया, जैसे ऐसे लगता है जैसे हमने चार पांच सिलाइयों का डिज़ाइन बनाया है। तो है ये बेसिकली दो सिलाइयों में ही बन गया। तो ये देखें, अब हमने ऊपर जो है सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब सीधे बुन के हमने उल्टी तरफ जाना है, क्योंकि हमारा जो रेड कलर का धागा है, ऊन है, वो हमारी उल्टी तरफ पड़ी हुई है, तो इसको हम वहाँ तक लेके जाएंगे। ये देखें, इस तरह से उल्टे तरफ जाने के लिए हमने पहले ये सारे फंदे सीधे बुनने हैं। अब जो फंदा हमने ट्विस्ट करके बनाया था, ये देखें, इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब ये जो फंदा है इसको हम पीछे वाली तरफ से सीधा बुनेंगे। तो ये जब आप बुनाई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने इसको फंदे को सीधा किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से हमने ये एक एक फंदा सीधे बुनते हुए पूरी सिलाई को कम्प्लीट करना है। ये देखें कितनी प्यारी लुक बनकर आई है, जैसे रिंग होते हैं वैसे ये रिंग रिंग बनकर आ गए हैं। अब आ गई हमारी रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से। अब हमने उल्टी तरफ से वाइट के ऊपर फिर से रेड कलर का इस तरह से धागा लगा के इसकी बुनाई करनी है। अब हमने फिर से उतनी ही गैप रखनी है जितनी हमने स्टार्टिंग में रखे थे। तो उस तरह से सीधी और उल्टी सिलाई बुनते हुए हमने गैप बना लेने हैं। ये देखें, मैंने इस तरह से फिर से तीन सिलाइयाँ जैसे नीचे बनाई थी, सीधी उल्टी और सीधी, फिर मैंने ये सीधी उल्टी और सीधी सिलाई बना ली है रेड कलर से। इसके बाद फिर से हम इस तरह से वाइट कलर का डिज़ाइन इसके अंदर डाल लेंगे। तो गैपिंग आप अपनी मर्जी से रख सकती हैं, सिलाई जितनी आपने कम ज़्यादा रखनी है, और उसके बाद डिज़ाइन जो है ये सिर्फ इतनी ही दो रो से ही बन जाएगा। ये देखें, बड़ी प्यारी लुक इसकी आती है। आप इसको कार्डिगन्स पे इस्तेमाल करें, चाहे स्वेटर्स पे करें, किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। और देखिए कितनी लुक इसकी कितनी प्यारी है, इतनी प्यारी इसकी ग्रेस आ रही है, ऐसे लगता है जैसे ये मिरर वर्क का काम किया होता है और रिंग के अंदर मिरर लगे होते हैं। ये बिल्कुल वैसी लुक है इस स्वेटर की, डिज़ाइन की। ये देखें, दोनों तरफ से इसकी लुक बड़ी प्यारी आती है। नीचे आप बॉर्डर बनाइए, बॉर्डर के बाद जितनी गैपिंग देनी है उतना आप इसको डिज़ाइन को बना सकती हैं। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।